पटियाला के पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी वालों एक बार फिर पंजाब सरकार से जम के निशाना साध्या। अमृतपाल का विरोध किया, खालिस्तान बनाने लैके विरोध जाहिर करते नजर आए। डॉक्टर धर्मवीर गांधी और भगवंत मान वालों केजरीवाल को खुश करने दूजे सूबों में बाहर घूमया जा रहा है, पंजाब के वल ध्यान नहीं दिता जा रहा। पटियाला तो विकास कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। बड़ा बेहूदा तो गैर जिम्मेदाराना बयान हैगा। उही किसान ने जिन्हां दी कल तक भगवंत मान सिफतां करदे नहीं थकदे जो दिल्ली धरने बैठे से संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में, तो हुण जदों आप सरकार चलानी पै रही है, जो आप किसानों का कुछ गल करना पै रहा है, जो आप MSP दे के भी मुकरन वाली गल आ गई है, मूंगी की दाल से जां मूंगी ते इन्होंने 7250 रुपये MSP ऐलान की सी, सिर्फ 15% मूंगी बिकी इस रेट से, बाकी सारी किसानों ने घाटे व्यापारियों को खुली मंडी में बेची हैगी है। इवें जिहड़ियां जिन्नियां जिहड़ी लाल सुंडी सीगी जां जिहड़ा लंपी स्किन रोग सीगा जिहड़े गऊआं मरियां ने जां पशु धन दा नुकसान होया, उस मुआवजे दा ऐलान किया सी, ओह तेला नहीं दिता हैगा। जिहड़े मतलब बिना पराली नूं अग लाए सीधी हैप्पी सीडर नाल जिहड़ी बिजाई करन वास्ते प्रति एकड़ 1500 रुपये ऐलान किया सीगा, उस चो ढेला किसानों ने दिता हैगा। इस तरह जो हड़ां दौरान नुकसान होया सीगा, जो हैलीकॉप्टर के गेड़े मारे सी फिरोजपुर के, उदों जो नुकसान दे गिरदावरियां करके कहा सी कि असी हर किसान नूं प्रति एकड़ मुआवजा देवांगे, गिरदावरियां बाद च हुंदियां रहणगियां। हुण जो सारी गल्लां तों मुकरन दा मौका आया, जां अपना रोल अदा करना मौका आया, किसानों राहत देने का मौका आया, तो हम भगौड़ा हो गया भगवंत मान के किसान उल्टा पंजाब के किसानों ही मतलब खुदगर्ज ते अपने मतलब तमाशे वास्ते धरने लाने वाले उन्होंने गिरदानन तक चला गया है। भगवंत मान को पता नहीं कि आम आदमी पार्टी जित में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, और किसान जथेबंदियों ने गुझे रूप में ज मतलब कई कई थावां ते खुले रूप में भगवंत मान की मदद की है, आम आदमी पार्टी मदद की है। अज उन्होंने किसानों जरा भगवंत मान की सरकार है जां भगवंत मान खुद जो जिदा के मतलब घटिया बयान दे रहा, निखेधी योग है, निंदन योग है, और किसान लोगों के किसान भाईचारे के जो मुल्क का ढिड भरते हैं, लोगों का ढिड भरते हैं, उन्होंने मतलब उन्होंने बारे जो बयान हैगा शर्मसार करने वाला है समुचे पंजाबियों को, भगवंत मान मुख्यमंत्री तौर पर अजिहे बयान तो गुरेज करना चाहिए। और नहीं ये वास्ते सब कुछ छोटी मोटी गल है, मतलब शुरू तो आर्टिस्ट रहा है, मतलब स्टेजी बंदा है, ड्रामेबाज बंदा है, ड्रामे करने जानता है, और ये कोई देने लैन कख नहीं, ना कोई सियासी सूझ है, ना कोई सियासी सियाणप हैगी है, तो ना ही मतलब सियासी दूरदृष्टि हैगी है। केजरीवाल दियां सियासी आकांक्षावां पूरियां करन वास्ते गुजरात धक्के खांदा फिरदा, पंजाब च अग लगी हुई है, पंजाब च बच्चे नशे नाल मर रहे हैगे, पंजाब च किसानी सड़कां ते हैगे आ, पंजाब च सिद्धू मूसेवाले तों बाद वी मतलब कई बड़े बड़े लोकां दे कतल होए हैगे आ, ते पंजाब दा वातावरण दिन पर दिन खराब हो रहा हैगा, पंजाब च नवें प्रवचन सिरजे जा रहे हैं, किते सिख वर्सिज ईसाई, किते कांबड वर्सिज सिख, किते मतलब दलित वर्सिज जट, उत्थे डांस करदा फिरदा, गरबा डांस करदा फिरदा हैगा। गुजरात विच अपने मालक नूं जिन्हों कहिंदे खसम उन्हों खुश करने वास्ते केजरीवाल नूं ये गुजरात गेड़े मारता फिर। अमृतपाल देखो कोई मतलब बाला मैं कभी व्यक्ति डिस्कस नहीं करता, एक गल मैं कहना कि धर्म के नाते राज की जी सिरजना हैगी, जिहदा होका देना हैगा, जां उस उधर कोशिशां करनियां वह गलत हैगी। जे मैं मोदी के हिंदू राज का विरोध करदा तो मैं अमृतपाल के खालिस्तान का भी विरोध करदा, मैं दोनों का विरोध करदा। बेहूदा बयान है, बेहूदा बयान है। जे पंजाब तो बाहर जिहड़ियां कट्टड़पाथी हिंदू जथेबंदियां जिहड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने फिरदियां, जे बाहर कलकत्ते बॉम्बे या इंदौर या भोपाल च वो बयान वो कर देन कि जिन्हां दुकानां ते पंजाबी लिखी हुई है उन्हां दुकानां बाइकाट करो, समान रख दिओ, तां फिर कि चंगी गल होगी कोई? इह बयान ही घटिया हैगे, बयान ही बेहूदा, इहनां पंजाब दे लोकां दे मुद्दे नाल कोई तलक नहीं हैगा, सिर्फ जिहड़े मुद्दे नूं भड़काउण वास्ते इदां दे बयान दित्ते जा रहे आ जिहड़े निखेधी योग हैगे। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। जि मैंने को अंकड़े दिखाओ जिथे ये सिद्ध होया वे जिहड़े जिहड़े लसंसी गन हैगे है इन्होंने बंदे किन्ने मारे हैगे, जिहड़े इलीगल वैपन हैगे जिहड़े समगल होकर आते हैं UP चो पाकिस्तान तो बाहरों उन्होंने किन्ने कतल होया। हकीकत है कि जिहड़े बंदे को निजी गन हैगी है वो जिम्मेवारी ना वरदा, वो इक्का दुक्का सवाए जिहड़ा सूरी वाला कतल हैगा उस कतल तो बगैर पंजाब दिखाओ कि किहड़े कतल निजी हथियारां नाल होए हैगे। जो ये 3 महीने की शुरू कर ली एक्सरसाइज कि हुण हर थाने पता लगू कि बंदूक हैगी है जां जिहड़ियां जमा कराउंदे हर साल इलैक्शन पहलां जां नाजुक मौकियां ते, उस मैनू इस गल दा कोई डाटा पेश करन कि इन्ने कतल होए निजी बंदूकों नाल, इन्ने होए आ जिहड़ी समगल कीतियां बंदूकां हैगियां, कोई रिकॉर्ड नहीं इदां दा हैगा, कोई इदां तत्थ नहीं हैगे जिहड़े इस गल दी पुष्टि करदे होण कि जिहड़ियां निजी बंदूकां हैगियां जिहड़े परसनल हथियार हैगे आ उहनां नूं बैन करन दी लोड़ है जां उहनां नूं जमा कराउण दी लोड़ है।
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਊਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਝੂਠ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਜ਼ ਈਸਾਈ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਵੜ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਿੱਖ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਵਰਸਿਜ਼ ਜੱਟ, ਕਿਤੇ ਭਈਏ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਮ ਖੰਡ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਜੀ।